चोरों वाली समस्या कुछ ज्यादा ही है, तो मोदी जी इस पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है आपको। तो किसान के तरह लोग दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आपने मूंगफली बहुत खाई होगी, हर जगह मूंगफली लगभग मिल ही जाती है, लेकिन आपने आज तक क्या मूंगफली का पौधा देखा है, क्या मूंगफली की खेती देखी है? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मूंगफली का पौधा कैसा होता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, देखिए सारा का सारा खेत मूंगफली के पौधों से ही भरा हुआ है। और ये जो मूंगफली है ये पौधे में ऊपर नहीं लगती है, ये पौधे के निचले भाग में यानी जड़ में लगती है। मैं आपको दिखाता हूँ एक पौधे को उखाड़ करके, ये देखिए आप, ये देख सकते हैं इसके अंदर ये जो है ना, ये भाग ये जड़ में लगा हुआ यही मूंगफली है। ये देखिए अब ध्यान से, ये है मूंगफली और इसको अगर आप तोड़ेंगे, फिलहाल तो ये है कच्ची, ये देखिए इसमें पानी निकल रहा है क्योंकि अभी ये कच्ची मूंगफली है, ये देख सकते हैं आप, ये तैयार नहीं है। और जब ये तैयार हो जाएगी तो ये दाने के रूप में आ जाएगी, फिलहाल ये कच्ची है। तो अभी आमतौर पर इसे बीज मूंगफली कहा जाता है, या कहीं कई तरह के लोग इसे अभी अंडा मूंगफली भी बोलते हैं, या अंडा बोलते हैं इसको सिंपली। तो ये है ओवरऑल, ये पौधा है मूंगफली का। पत्ते देखिए इसके कितने शानदार दिखाई दे रहे हैं, जैसे मेहंदी के पत्ते हों, आपने मेहंदी देखी होगी ना, तो कुछ उस तरह के पत्ते हैं। और इन्हीं से ये मूंगफली तैयार होती है, और आलू की तरह आलू का पौधा भी जमीन के अंदर होता है, तो उससे ये मूंगफलियाँ जमीन के अंदर होकर के ग्रो करती हैं। और वैसे तो मूंगफली गर्म होती है, तासीर इसकी गर्म होती है, पर जसो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चीज़ है वो है मूंगफली का पीनट बटर और मूंगफली का तेल, तो इसे ग्राउंडनट ऑयल भी कहते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वैरायटी हैं। मूंगफली को आमतौर पे गरीबों का बादाम भी कहा जाता है, क्योंकि गरीब आदमी वैसे तो ड्राई फ्रूट्स नहीं खरीद पाता है क्योंकि उसकी पहुँच से दूर होते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट वैसे भी ड्राई फ्रूट बहुत महंगा आता है। मूंगफली बहुत सस्ती है उस हिसाब से, करीबन 100 से 150 रुपये किलो के बीच में आपको आमतौर पर मिल जाती है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको और क्या क्या है मूंगफली के बारे में और कितनी रोचक चीज़ें हैं मूंगफली को लेकर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फसल में मूंगफली की कुड़ाई हो गई है तैयार, और अब इसे पैक किया जा रहा है ले जाने के लिए घर पर, और इसे वहाँ पर इसे छाट के अलग किया जाएगा तोड़ करके। जो मूंगफलियों का झाड़ हमने ज़मीन से निकाला था वो एक जगह इकट्ठा कर लिया गया, और इकट्ठा करने के बाद इस तरह का ढेर बनाया जाएगा, और ये ढेर जाएगा घर पे, और घर पे जाने के बाद इसमें से एक एक मूंगफली के दाने को चुना जाएगा। चुनने के बाद शुरू होगी प्रक्रिया इसको सुखाने की, और सुखा करके फिर इसमें से तय किया जाएगा कि अच्छी कौन सी है और एक दाने वाली मूंगफली कौन सी है। छटाई करने के बाद फाइनल में ये तैयार हो जाएगी व्यापारी को बेचने के लिए। आखिरी में जो पत्ते बच जाते हैं, आप लोगों का सवाल होगा कि इससे होता क्या है, तो चलिए मुझे एक किसान मिले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। काका क्या नाम है आपका? जगलाल भुट्टा। किसान साहब, लास्ट में जब ये आप इसमें से मूंगफली निकाल लेंगे, उसके बाद बचे हुए पत्तों का क्या करेंगे? क्या करेंगे, गन्ना बोएंगे, तोरी बोएंगे? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी नहीं, नहीं, अच्छा। पते ही। तो इस पत्ते का आप, ये जो आपके पास ये जो सारा पत्ता बच गया, इसका क्या करेंगे? खा करेंगे। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों ये जो है इनका पत्ता, जो बाकी का बच जाएगा इसमें से, जो इनके मवेशी लोग हैं, गाय बकरी जो पाली हुई है, वो लोग इन्हें खा लेंगे, जिससे दूध की आवक जो है भरपूर हो जाती है। तो यानी किसान जो है वो परफेक्ट अपने रास्ते पे चल रहा है, जरूरत है हम लोगों को इन लोगों को सपोर्ट करने की। जी आप हमें ये बताइए, बताओ तो आप मुझे ये बताइए कि मूंगफली की खेती के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा है, और कौन से महीने में ये शुरू कर दिया जाता है इसकी बुआई को? पांचवा महीना में शुरू कर दिया जाता है। पांचवे महीने में, यानी कि अप्रैल के महीने में। क्या बात है सर, ये बात है। पांचवे महीने में, यानी कि अप्रैल के महीने में इसकी बुआई चालू कर दी जाती है, जब हल्की हल्की सी गर्मियों का सीजन आ जाता है, गर्मी का मौसम जो हल्का उमस वाला मौसम आ जाता है। ठीक है, ये क्या है? देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। उमस वाला मौसम आ जाता है। ठीक है, तो लगभग ये कितने एकड़ में कितना पैसे की लागत आ जाती है, और कितने इससे उपज हो जाती है?
कितना रुपया का खर्च आ जाता है? कितना हो जाएगा लागत? कितना लगेगा एक एकड़ में? पाँच छः हजार रुपया लगी। मतलब एक एकड़ में 5-6 हजार रुपए की आपकी लागत है, और उससे उपज कितनी निकल गया? 10-12 हजार का उपज होगा। मतलब एक एकड़ में 5-6 हजार का आपकी लागत है और 10-12 हजार का आपका उपज है, यानी कि लगभग दुगना आपका बेनिफिट इसका होगा। लेकिन अगर किसी मौसम में मूंगफली अगर खराब हो जाती है या कोई कीड़े लग जाते हैं, ऐसी स्थिति है, बारिश नहीं हुआ चाहे बाढ़ आ जाए तो नुकसान हो जाती है। अच्छा, किन मौसमों से सबसे ज्यादा खतरा रहता है आपको? खतरा तो सावन भादो सावन और भादो सबसे ज्यादा खतरा रहता है। मई जून, यानी कि ठंडी से सबसे ज्यादा खतरा मूंगफली को रहता है। अगर ठंड लग जाए तो मूंगफली क्या दाना छोटा रह जाता है? छोटा रह जाएगा, बढ़ नहीं पाएगा, उनको उपज कम भी हो जाएगा। तो आपने ये जो मूंगफली बोई है, इसमें भी कोई किस्म होती है क्या आम की तरह, कि जैसे आम में कई 6000 तरह की अलग अलग किस्म है, क्या मूंगफली में भी कई अलग अलग तरह की किस्म है? किस्म है अलग अलग तरह का, प्रकार है मूंगफली का जो आपने बोया है? अलग अलग बोया है। तो आपकी जो मूंगफली है इसमें आपको क्या लगता है कि कितनी उपज हो जानी चाहिए आपके हिसाब से, जो आपने बोया हुआ है कितनी आपकी लागत लगी होगी इसमें? एकड़ में 5000-6000 जुलाई से लेकर बुआई बुहाई। कितना समय आपको इस बुआई के लिए देना पड़ता है कि आपने इसको बो दिया है, और उसके बाद कितने टाइम के बाद आप इसकी जो है खुदाई वापस से करके इसमें मूंगफली के रूप में इसको निकाल रहे हैं? लगभग 28-30 दिन। 30 दिन पहले आपने इसको बोया था और 30 ही दिन में ही तैयार हो गया? नहीं, 3 महीने। यानी कि 3 महीने पहले आपने इसको बोया था और अब इसकी आप कुड़ाई कर रहे हैं, तो सीजन में एक ही बार कर सकते हैं? साल में एक ही बार में होता है। ए, तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। क्या नाम है आपका? जगलाल गुप्ता। और आपका? बिहारी शर्मा। तो बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिल करके, और ये लोग हैं बिहार के किसान, और इन लोगों ने हमें बताया कि कैसे मूंगफली की खेती की जाती है। दोस्तों, तो फाइनल में ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे, ये मूंगफली जो खेत से अभी ताजा निकाल ली गई है पौधे के साथ में, अब इसे ले जाएंगे घर क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है। अब इसको, अगर ये दिन का टाइम होता तो यहीं पर इसको तोड़ लिया जाता और तोड़ करके अलग कर लिया जाता, लेकिन क्योंकि अभी इसमें कुछ मूंगफलियाँ कच्ची भी हैं जिसे अंडा मूंगफली भी बोलते हैं, तो इसको अभी ले करके जाएंगे घर। इसको ऐसे ही रहने देंगे कुछ दिनों के लिए, और ये अपने आप मौसम के अनुकूल में होते होते ये सूखेगी, और सूखने के बाद इसमें से कुछ मूंगफलियाँ अपने आप झड़ जाएंगी, कुछ को तोड़ लिया जाएगा और बाकी झाड़ को निकाल करके मवेशियों को खाने के लिए डाल दिया जाएगा। बाकी बची मूंगफलियों को सुखाने के बाद, तैयार होने के बाद इनको छांटना होता है, और छांट करके फिर तैयार होता है व्यापारी को बेचने का सिलसिला। तो चलिए जानते हैं कि एक झाड़ में करीबन कितनी मूंगफली उग जाती है, और एक मूंगफली से एक झाड़ के अंदर कितनी पैदावार तैयार हो जाती है। तो किसान सुखाने के बाद 500-800 ग्राम, तो एक मूंगफली से लगभग 250 ग्राम मूंगफली जो कि तैयार मूंगफली आप कह सकते हैं सूखी हुई, वो तैयार हो जाती है। तो हरी मूंगफली की अगर बात करें, कच्ची मूंगफली की जो ये वाली मूंगफली है, तो एक झाड़ में करीब 400-500 ग्राम, यानी कि 300-500 ग्राम मोटा मोटी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मूंगफली से तैयार हो जाती है, और सूखने के बाद उसका वजन रह जाता है 200-250 ग्राम, है ना? ज्यादा वजन होगा, ज्यादा फल रहेगा तो 300 ग्राम हो जाएगा। अच्छा, इस मूंगफली के खेत को क्या ज्यादा देख रेख की भी जरूरत पड़ती है कि बहुत ज्यादा देख रेख? देख रेख नहीं पड़ेगा काफी ज्यादा, जैसे धान की खेत के लिए कौवा होना तो कावा ज्यादा कावा ज्यादा नुकसान करिए, कावा ज्यादा नुकसान करिए तो आदमी भी नुकसान करी, चोरा को खाई या अच्छी करी। अच्छा, चोरों से ज्यादा डर रहता है? एक चोरों वाली समस्या कुछ ज्यादा ही है। इस तरह के चोरों से सबसे ज्यादा डर रहा है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? कौन चोर है? कौवा तो चोर बठला मानस हो, दुगोरवा ढेर चोर मानस हो, दुगोरवा से अभी रात भर दिन भर रखा पड़ा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, दुगोरवा चोर का मतलब है कि आदमी आदमी जो है चोरवा। क्या बात करता है यार? आदमी थोड़ी डर बात, ये बड़ी अच्छी बात है। आदमी ऐसे है, वो रात बिरा जब हम घर चल जाए तो रात ही गाय उठा के लेके चल जाये, खून के लेके चल जाये। अब यहाँ सवेरे आए तो पता चलिए एक बोझा दो बोझा उठा लेंगे, तब का खाई जाइए खाती। तो मोदी जी इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है आपको।
चोरों वाली समस्या कुछ ज्यादा ही है, कौआ तो बाद में चोर है, पहले आदमी जो है ज्यादा चोरी कर रहे हैं। आज आपने जाना कि मूंगफली की खेती कैसी की जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आज का सेक्शन कैसा लगा, ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। अगर चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही आकर्षक और मजेदार वीडियोस देखने के लिए ब्लॉग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।